असली कश्मीर किसका है? इन युवाओं का जो सोशल मीडिया पर आतंकवादियों के मैसेज पढ़कर सड़कों पर उतर आते हैं और सैनिकों पर पत्थर बरसाते हैं, या फिर इनका जो कुपवाड़ा, शोपिया, सोपोर, अनंतनाग जैसे आतंकवाद ग्रस्त माहौल से आकर भारतीय सेना के सीक्रेट स्टडी सेंटर में पढ़कर अगले साल मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। कश्मीर के इन 30 युवाओं के लिए अपने सुनहरे भविष्य के सपने को पूरा करना इतना आसान नहीं है। आने वाला एक साल इनके लिए बहुत मुश्किल गुजरने वाला है, क्योंकि जब तक अगले साल ये नीट का एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे देते, तब तक ये अपने घर नहीं जा सकते, क्योंकि इनके सपने आतंकवादियों को रास नहीं आएंगे। ये सीक्रेट कोचिंग सेंटर भारतीय सेना ने एक एनजीओ नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर खोला है। यासिर हमीद सोपियां का रहने वाला है, जहां हिजबुल मुजाहिदीन का आतंक है, जहां से हाल में सबसे ज्यादा कश्मीरी युवा आतंकवादी संगठनों में शामिल हुए हैं। लेकिन यासिर ने जान लेने के लिए नहीं, बल्कि जान बचाने की राह चुनी। माई फैमिली ने सपोर्ट मी टू बिकम अ डॉक्टर, एंड वो उतना बड़ा ही घर में पढ़ा वड़ा नहीं कोई, तो पहली बार हो रहा है, लगता है हमारे खानदान में ही पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई डॉक्टर बनने जा रहा है। आदिल रियाज मीर भी उस कुपवाड़ा से आते हैं, जहां आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ रोज की बात है। आदिल अपने जैसे नौजवानों से कुछ कहना चाहते हैं। Sir, I want to pass on a message to the young youth of Kashmir that they should inculcate themselves in the path of education and they should be the bright stars of tomorrow. भारतीय सेना के सौजन्य से इस कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करने वाले 30 कश्मीरी युवा टेलीफोन से अपने परिवार से संपर्क में रहते हैं और कुछ खास मौकों पर इनके परिवार वाले यहां आते हैं। गुप्त लोकेशन पर बने इस कोचिंग सेंटर में नीट की कोचिंग देने के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज के एक्सपर्ट और प्रोफेसर क्लास लेते हैं। इन सभी स्टूडेंट्स की हर सुविधा और सुरक्षा का पूरा ख्याल भारतीय सेना रखती है। ये बच्चे यहाँ पर आएंगे, एक साल के लिए पढ़ेंगे, उस एक साल के लिए जब पढ़ेंगे तो उसके दौरान हम लोग रोटेशन बेसिस पे इनको फैकल्टीज प्रोवाइड करेंगे, टॉप फैकल्टीज ऑफ इंडिया एज वेल एज फ्रॉम कश्मीर वैली एज वेल। सम फैकल्टीज आर फ्रॉम कश्मीर वैली, सम आर फ्रॉम दिल्ली, सम आर फ्रॉम कानपुर एज वेल। दे विल केम हियर ऑन द रोटेशन बेसिस, 10-10 दिन की उनकी क्लासेज होंगी। उसके बाद डाउट सॉल्विंग के लिए हम लोग अलग टीचर्स कश्मीर वैली के ही अप्लाई करेंगे, बिकॉज लैंग्वेज प्रॉब्लम ना हो इन बच्चों के साथ, एंड दे विल फील फ्री टू आस्क देयर डाउट। एक साल तक ये करेंगे, होप यहाँ पर सारे बच्चे फिर सेलेक्ट होंगे। पत्थरबाजी, आतंकी हमले, टेरर एनकाउंटर के साथ कश्मीर की छवि जुड़ चुकी है, लेकिन ये भी एक कश्मीर की छवि है जहाँ बच्चे अपने फ्यूचर को ठीक करने के लिए तैयार हैं, वो भी हमारे जैसे इंजीनियर डॉक्टर बन के एक नॉर्मल एक साधारण जिंदगी जीना चाहते हैं। शायद अभी भी कश्मीर वैली और कश्मीर के लोगों के लिए कुछ उम्मीद बाकी है। कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ सुधीर रंजन सेन, आज तक के लिए।